नमस्कार दोस्तों, मैंने आज आपके मोबाइल के लिए 10 टेम्पल लेकर आया है। आप अपने फ़ोन पे कौन से टेम्पल लगाएंगे, ये वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसे 10 टेम्पल है और 10 टेम्पल को मैं खूबियाँ बताता हूँ, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लास्ट में जो मैं बताऊँगा वो सबसे अच्छा है, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, ठीक है। तो ये क्या है, 10वें नंबर पर, ये मेरे लिस्ट पर क्या है, 10वें, ये 10वें नंबर पर है। ये क्या करता है, ये थोड़ा फ़ोन को कम सेव करता है। ये आपको 30 से 50 रुपए की कहीं भी आपको मोबाइल के शॉप पे ये मिल जाएगा। ये सबसे पहले टेम्पल मार्केट में यही आया था, ठीक है। ये 10वें नंबर पे, अब इसको रखते हैं साइड में। अब ये कौन से नंबर पे है, ये तो इसको बोलते हैं एंटी ब्लू। ये के 9वें नंबर पे आता है, ये जो 10 टेम्पल है इसमें से 9वें नंबर पर ये आता है। ये क्या करता है, आपकी आँख की जो है ना, जैसे ये ब्लू लाइट निकलती है ना, तो आँख में के जो ब्लू लाइट जाके ख़राब करता है ना आपकी आँख को, रोशनी को, तो ये कम कर देता है। ये क्या, ब्राइटनेस क्या कर देता है, थोड़ा कम कर देता है। तो ये कि आप फ़ोन चलाओगे तो आपका क्या है, आँखों में चुभता नहीं। जैसे आपने चश्मा देखा होगा ना, कंप्यूटर के लिए चश्मा आता है, पढ़ाई के लिए चश्मा आता है, तो उसी प्रकार से मोबाइल के लिए ये समझ लो एक चश्मे के रूप में, एक गिलास के रूप में मोबाइल पर रखने से आप कितना भी चलाओ आपकी आँख दर्द नहीं करेगा। और ये क्या है, 9वें नंबर पर ये फ़ोन की सेप भी रखता है। तो ये आपको मार्केट में कितने की मिलेगा, 60 या 50 रुपए की, 50 रुपए 60 रुपए में मिल रहा है, तो आप ये मोबाइल पे लगा लो, ये बहुत अच्छा है। अब ये आता है 8वें नंबर पर, ये क्या है, गोरिल्ला ग्लास बोलते हैं, इसको फ्लेक्सिबल ग्लास बोलते हैं। लेकिन आपने सुना होगा ना लोगों के मुंह से कि गोरिल्ला ग्लास लगा दो मेरे मोबाइल पर, तो लोग यही लगाते हैं। ये असल में क्या होता है, पन्नी होता है। ये क्या होता है, आपके फ़ोन के स्क्रीन को स्क्रेच से बचा देता है, लेकिन ऊपर से गिरता है ना तो ये ज़्यादा सेव नहीं करता। इसमें ये टेम्पल नहीं टूटेगा क्योंकि ये है प्लास्टिक, पर आपका फ़ोन टूट जाएगा। तो इसमें ये खूबी है, पर ये इसका खास ये बात है कि टूटता नहीं है, ठीक है। स्क्रेच आ जाता है पर ये टूटता नहीं है। तो इसको मैंने 8वें नंबर पर रखा है, ठीक है। अब ये मैंने 7वें नंबर पर रखा है, ये इसको क्या बोलते हैं, गेमिंग गिलास। ये क्या है, मैट गिलास बोलते हैं, और क्या है, गेमिंग गिलास। ये क्या है, फ़ोन पर लगाने से क्या होता है, आपका फ़ोन जो है ना थोड़ा धुंधला टाइप के दिखाई देता है, पर इसमें खासियत का, इस पर धूल मिट्टी नहीं आता है, इस पर क्या ज़्यादा स्लिप नहीं करता है, तो आपको गेम खेलने में ना थोड़ा अच्छा लगेगा, अच्छा फीलिंग आता है और सही से खेलते हैं। पर इसमें क्या है ना, ब्राइटनेस इसको कम कर देता है, तो थोड़ा धुंधला दिखाई देता है, इसका ये खूबी है। ये तो इसको मैंने 7वें पे रखा। अब ये देखो, ये क्या है, ये 21D, 21D क्या है, इसको मैंने, इसको 6वें नंबर पर हमने रखा है, 21D। और देखो ये 6D और ये 11D, ये तीनों एक ही गिलास होता है, तीनों एक ही गिलास होता है। और भी बोलते हैं जैसे 11D हो गया, 10D हो गया, 8D हो गया, ऐसे भी आता है, पर ये 6D 5D पहले आता था, अब इसको क्या है, 21D के पास लेके चले गए, है ना। तो इसमें कुछ खास अंतर नहीं है, हल्का से भी कुछ अंतर नहीं, सिर्फ नाम चेंज है, पर ये तीनों क्या है, एक ही गिलास है। तो आप भी मार्केट में क्या देख रहे होंगे, 11D, तो 11 जो गिलास है ना, 11D वो ज़्यादा मार्केट में चल रहा है, ये ज़्यादा लोग फ़ोनों पर चला रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा सेव करता है। ये जो मैंने 3-4 गिलास आपको दिखाया उससे ज़्यादा सेव ये करता है। ये तीन में से कोई भी आपको दुकान पर मिल रहा है, अगर 50 रुपये 60 रुपये के मिल रहा है तो आप लगवा लो, ये सेव ज़्यादा करता है। और अभी जब सबसे ज़्यादा जो मार्केट में गिलास चल रहा है ये 11D चलता है, ये सबसे ज़्यादा बढ़िया होता है, तो इसको हम रखते हैं साइड में। अब होता है ये 18D, इसको क्या है, 18D, इसका खासियत क्या है, तो यहाँ पर देखो, आप ध्यान से देखोगे तो 18D लिखा है। तो ये खासियत का, ये बॉर्डर है, ये क्या है, उठा हुआ एक बॉर्डर है, जैसे आपका फ़ोन गिरता है ना तो ये पहले बॉर्डर पे लोड आता है, तो थोड़ा फ़ोन को आपको ज़्यादा सेफ रखता है ना। पर ये भी क्या है, 11 की तरह है, इसके तरह 11 की तरह है ना, 18D है, पर इसमें थोड़ा सा, थोड़ा मतलब ये बॉर्डर बना दिया तो इसलिए ये थोड़ा सा महंगी आता है। अगर ये 70-80 रुपये का आपको कहीं मिल रहा है लगाने के लिए तो आप लगा लो, बहुत अच्छा है, ठीक है। अब देखिए, ये आता है D+, और ये क्या है, Super X, ये दोनों एक ही गिलास है, ठीक है। ये जो 11D 18D बताया है, इससे थोड़ा ये महंगी होता है और ये थोड़ा ज़्यादा मजबूत भी होता है और ज़्यादा आपको फ़ोन को सेफ भी रखता है। तो ये दुकान पे कितना के मिलता है पता है आपको, ये 100 रुपये 150 रुपये। अगर आपको दुकान पे कोई 100 रुपये का लगवा रहा है, मतलब बोला है कि ये 100 रुपये की, तो आप लगवा लो। सबसे ज़्यादा जो गिलास सेफ रहता है आपके फ़ोन के लिए वो ये है। ये क्या है, या तो इसको D+ बोलते हैं, और भी बहुत सारे अलग अलग नाम होता है, ठीक है, पर D+ है इसको बोलते हैं। और भी बहुत सारे टेम्पल आते हैं, ठीक है,
पर सबसे ज़्यादा सेफ, सबसे अच्छा इसमें चलेगा आपका, फीलिंग भी अच्छा रहेगा। तो ये आपका 100 रुपये में कहीं मिल रहा है तो ये लगवा लो। अगर आपके पास ये नहीं मिल रहा है तो आप क्या 18D लगवा लो, 18D भी नहीं मिल रहा है तो 11D लगा लो। 11D सबसे ज़्यादा फ़ोन सेफ रखता है और उसके बाद ये दोनों सेफ रखता है। तो ये छोटी सी वीडियो था, मुझे ऐसा है कि आपको पता लग गया है कि आपको कौन सी फ़ोन में लगवाना चाहिए। देखो दोस्तों, मेरे फिर से बता रहा हूँ, आपका बार बार टेम्पल टूटता है तो आप 11D लगाओ। 11D अब भी सबसे बेस्ट है। ये सब जो होता है ना, सिर्फ नाम अलग अलग है, जो सेफ्टी के मामले में ना सब बराबर ही करता है ना, थोड़ा चमक धमक आगे बढ़ा दिया, नाम वो चेंज कर दिया तो उसका थोड़ा रेट महंगे कर देते हैं। पर 11D जो होता है या एंटी ब्लू होता है, जो एंटी ब्लू, ये क्या है, दोनों समझ लो सेफ्टी के मामले में एक ही तरह के टेम्पल है। ठीक है दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो, मुझे ऐसा ये वीडियो आपको पसंद होगी।